हेलो दोस्तों, आपका स्वागत आपके चैनल टीटी प्लेइंग 11 में। आज हम बात करने वाला हूँ डेटो टाइगर्स और शिकागो व्हाइट सॉक्स MLB के बेसबॉल मैच के बारे में। इस मैच के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपनी टीम के लिए किस पर को पिक करना है, किस पर को ड्रॉप करना है। मैं बात करूँगा ड्रीम टीम के बारे में और जो फाइनल टीम होगी वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आइए हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। तो दोस्तों, मैं बात करूँगा स्टेट्स के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको ले चलता हूँ टेलीग्राम पर। दोस्तों, ये आपका अपना टेलीग्राम चैनल होने वाला है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर ओवरक नहीं कर रहा, आप टेलीग्राम पर जाइए और सर्च कीजिए टीटी प्लेइंग 11, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे और यहां से काफ़ी अच्छे से विनिंग टीम से काफ़ी अच्छे से पैसे कमा पाएंगे। दोस्तों, आपको एक तरफा क्लीन स्वीप मिलती रहती है। और यहां पर आने के बाद सबसे पहले आपको विजन 11 को डाउनलोड करना है। विजन 11 का जो लिंक है आपको दोस्तों टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आपको जल्दी ही जल्दी इसको डाउनलोड करना है और यहीं पर प्ले करना है। यहाँ पर कंपटीशन काफ़ी कम है, एंट्री फीस काफ़ी कम है, और अगर आप मेरे लिंक से डाउनलोड करते हैं तो आपको 300 रुपये भी आपके वैलेट में देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, अब मैं बात करने वाला हूँ कुछ स्टैट्स के बारे में। तो दोस्तों, कुछ मैच के टीम अपडेट्स के बारे में बात करता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लीजिए वेन्यू प्लस टाइम के बारे में। तो दोस्तों, फ्राइडे को ये मैच रहेगा 8 अप्रैल को शाम को 10:40 पर स्टार्ट हो जाएगा। वेदर दोस्तों बिल्कुल क्लीन है, बारिश का 1% भी चांस नहीं है। फैंटेसी टिप्स देख लीजिए दोस्तों, इन कैचिंग बोथ आर गुड, यू कैन चूज एनी ओवर। है दोस्तों, जो कैचर रहेंगे वो दोनों ही काफ़ी अच्छा से होने वाले, तो हम किसको भी चूज करके चल सकते हैं। दोस्तों, एंड्रू चैफिन, एंजल जूस, मैट मैनिंग, ये सभी दोस्तों आपको पिचर देखने को मिलने वाले, लेकिन हमारे पास दो ही पिचर की सबसे बड़ी सोच आने वाली है, तो देखते ही कौन से पिचर दोस्तों टीम अपडेट्स में आएंगे। दोस्तों, डेट्रॉइट टाइगर्स टीम हैज़ द अपर हैंड ओवर शिकागो व्हाइट सॉक्स, सो ट्राई टू पिक मोर प्लेयर्स फ्रॉम डेट्रॉइट टाइगर्स। इन DET से आपको ज़्यादा अब उठाकर चलने, जिससे आपके जो जीतने के चांस है वो थोड़े बढ़ जाएंगे। दोस्तों, सम्बोलिक चॉइस के पिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो DET आप दोस्तों कैस्ट्रो और दोस्तों एंड्रू की तरफ जा सकते हैं, और शिकागो व्हाइट सॉक्स से आप दोस्तों डैलस और दोस्तों गार्शिया की तरफ जा सकते हैं। ग्रैंड की चॉइस देख लीजिए दोस्तों, DET से आप दोस्तों मिगेल और अकील की तरफ जा सकते हैं, और शिकागो व्हाइट सॉक्स से आप दोस्तों रॉबर्ट और जिमनेज की तरफ जा सकते हैं। चॉइस आपकी टीम के लिए काफ़ी अच्छा सी रहने वाली है। दोस्तों, अब बात करें कुछ की प्लेयर्स के बारे में। तो सबसे पहले आप देख लीजिए DET से कुछ की प्लेयर्स। दोस्तों, बादू सबसे बड़ा चॉइस रहेगी। दोस्तों ग्रोसमैन एक काफ़ी बड़ा चॉइस रहेगी। दोस्तों कैंडलविक सबसे बड़ा चॉइस रहेगी। विल कैस्ट्रो भी काफ़ी बड़ा चॉइस रहने वाले हैं। दोस्तों DET से हमारे पास टोटल 4 चॉइस रहेगी। दोस्तों, मैं बात करूँ CWN के शिकागो व्हाइट सॉक्स से, तो आपको दोस्तों एडोल्फो काफ़ी बड़ा चॉइस रहेगी, गार्शिया काफ़ी बड़ा चॉइस रहेगी, दोस्तों जोस एब्रियू काफ़ी बड़ा चॉइस रहेगी, टीम एंडरसन काफ़ी बड़ा चॉइस रहेगी, दोस्तों हरिसन एक काफ़ी बड़ा चॉइस रहेगी। इस टीम से टोटल 5 प्लेयर, दोस्तों टोटल करूँ तो 9 ही होता है। और दोस्तों, यहाँ से एक ग्रैंडली की टीम बना लीजिए दोस्तों, प्रॉफिटेबल लॉस नहीं होगा। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस देख लीजिए दोस्तों DET के। दोस्तों, जो डेट्रॉइट टाइगर्स रहेंगे वहाँ से आप ग्रोसमैन, कैंडालियट, दोस्तों विल कैस्ट्रो की तरफ जा सकते हैं, और जो शिकागो व्हाइट सॉक्स रहेंगे वहाँ पे दोस्तों आप एडोल्फो एवरी और एंडरसन की तरफ जा सकते हैं। दोस्तों, ये दोनों आपके सामने स्क्वाड रहेगी, यह रहेगी डेट्रॉइट टाइगर्स की स्क्वाड और ये दोस्तों शिकागो व्हाइट सॉक्स की स्क्वाड। दोस्तों, मैं इनको पढ़ने को बैठूंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ प्रोबेबल प्लेइंग 9 के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइगर्स के बारे में। दोस्तों, बादू काफ़ी बड़े चॉइस रहेगी। दोस्तों, ग्रोसमैन एक काफ़ी बेहतरीन चॉइस रहेगी। दोस्तों, मेडोस एक एवरेज चॉइस रहेगी। दोस्तों, मिगेल एक काफ़ी मतलब एक रिस्की चॉइस रह सकती है। संडारियो दोस्तों एक बड़ा चॉइस रहेगी। विल कैस्ट्रो एक काफ़ी बड़ा चॉइस रहेगी। दोस्तों, स्कूप एक एवरेज चॉइस रहेगी। मैट मिन एक काफ़ी बड़ा चॉइस रहने वाली है। और दोस्तों, हासे भी एक एवरेज चॉइस रहेगी। तो दोस्तों, आपके सामने थी डेट्रॉइट टाइगर्स की प्रोबेबल प्लेइंग 9। अब मैं बात करूँगा शिकागो व्हाइट सॉक्स के प्रोबेबल प्लेइंग 9 के बारे में। रॉबर्ट दोस्तों काफ़ी बड़े चॉइस रहेगी, एडोल्फो काफ़ी बड़े चॉइस रहेगी, गारिस काफ़ी बड़े चॉइस रहेगी, जिमनेज दोस्तों काफ़ी बड़े चॉइस रहेगी, एवरी वे काफ़ी बड़े चॉइस है दोस्तों, एंडरसन एक एवरेज चॉइस रहेगी, हर्सन दोस्तों रिस्की चॉइस रहेगी, कैसल एक रिस्की चॉइस रहेगी, दोस्तों रिस मेक्योर भी एक एवरेज चॉइस रहने वाली है। तो दोस्तों, ये आपके सामने थी प्रोबेबल प्लेइंग 9। अब मैं बात करूँगा इस मैच की ड्रीम टीम के बारे में। तो दोस्तों, जो ड्रीम टीम है वो मैं बना चुका हूँ, जो इसी वीडियो में आपको देने वाला हूँ ड्रीम टीम। दो उससे पहले मेरी मेहनत के लिए एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। तो दोस्तों, बात करेंगे ड्रीम टीम के बारे में। दोस्तों, थोड़ा नेटवर्क इश्यू था, तो मैं बात करूँगा ड्रीम टीम के बारे में। तो मैं आपको बताऊँगा कि आपको अपनी टीम में कौन से फील्डर, कौन से इनफील्डर, कौन से पिचर और कौन से कैचर को चूज करना है। इन सभी के बारे में हम इसी वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, तो वीडियो आपको एंड तक वॉच कर लेनी है। हम स्टार्ट करेंगे ओ फील्डर सेक्शन से। दोस्तों, ग्रोसमैन दोस्तों एक काफ़ी बड़ी चॉइस रहेगी। दोस्तों, काफ़ी बड़ी चॉइस, मेरा मानना है दोस्तों अगर पिचर मैट मैनिंग प्ले नहीं करते तो कैप्टन के सबसे बड़े दावेदार ग्रोसमैन ही होने वाले। तो ग्रोसमैन दोस्तों एक काफ़ी बेहतरीन चॉइस रहेगी, ड्रॉप करके नहीं चलना, पिक करके कन्फर्म चलने वाले हैं। लेकिन मैं आपको दोस्तों
एमएलबी के इस मैच में क्रेडिट को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगा, तो हर प्लेयर को भी चूज करके नहीं चल पाएंगे क्योंकि दोस्तों मैं अभी फिलहाल गार्सिया को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। एडोल्फो को पिक किया दोस्तों, जो मेरी टीम के लिए काफ़ी बेटर चॉइस रहेगी। दोस्तों कैमरन को पिक किया जो एक रिस्की चॉइस रह सकते हैं, दोस्तों क्रेडिट को लेके प्रॉब्लम है तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इनफील्डर्स तो एब्रू काफ़ी बेहतरीन चॉइस पिक किया दोस्तों, संडालियर दोस्तों कंडालियर जो भी है काफ़ी बड़ा चॉइस मैंने टेक की दोस्तों, जैमेर संडालियो काफ़ी बड़ा चॉइस रहेगी। विल कैस्ट्रो दोस्तों काफ़ी बेहतरीन चॉइस रहेगी, और फिलहाल दोस्तों मैंने पिक एक रिस्की चॉइस गोंजालेज को, जो भी एक दोस्तों एक रिस्की चॉइस रह सकती है। बाकी दोस्तों बर्गर भी एक दोस्तों, इन दोनों में हम किसकी तरफ भी जा सकते हैं, दोनों ही चिकागो व्हाइट सॉक्स के प्लेयर रहेंगे और क्रेडिट भी इनके बिल्कुल ठीक ठाक ही है। पिचर के बारे में दोस्तों मैट मैनिंग को पिक किया दोस्तों, जो सबसे बेहतरीन चॉइस रहेगी दोस्तों, सबसे बेहतरीन चॉइस अगर प्ले करेंगे तो कैप्टन में इनको ही चूज करके चलने वाला हूँ। बाकी दोस्तों लास्ट में देखूंगा कि कैप्टन ग्रॉसमैन को लेकर चलो फिर मैट मैनिंग को। और कैचर के बारे में बात करूँ तो कैचर के लिए मेरे पास यहाँ पर दो चॉइस दोस्तों, मैक्योर और दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक और चॉइस रहेगी, एक सेकेंड दोस्तों जेरेनियो, दोस्तों जेरेनियो माफ करना नीचे, दोस्तों ये चॉइस हमारे पास कैचर के लिए रहने वाले दोस्तों। फिलहाल मैं मैक्योर को ही चूज करके चलने वाला हूँ। आप टीम का प्रयोग कर लीजिए, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मैंने उस टीम में तीन आउटफील्डर, चार इनफील्डर, एक पिचर, एक कैचर को चूज किया, जो मेरी कैप्टन चॉइस मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों, और मैं आपका वॉइस कैप्टन भी बता चुका हूँ। ये दो सबसे मेन प्लेयर रहेंगे दोस्तों टीम के। भाई दोस्तों सभी प्लेयर मैंने दोस्तों, एक डल्फो काफ़ी ऐसे रहेंगे दोस्तों, एवरू काफ़ी बड़े सोच रहेंगे, विल कैस्ट्रो काफ़ी बड़े सोच रहेंगे, ये तीन ऐसे चॉइस रहेंगे जिन्हें आप ग्रैंडिंग में भी कैप्टन और वॉइस कैप्टन चूज करके चल सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल भी इसकी नहीं रहेगा दोस्तों। मेरी फाइनल टीम यही टीम है, इसमें जो भी चेंज अपडेट होगा आपको टेलीग्राम पर बता दिया जाएगा, आप सिर्फ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों आपको पता है ये वीडियो बनाने टीम रन में काफ़ी मेहनत लगती है, तो उसके लिए एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।